नमस्कार। कुछ लोग कह रहे हैं कि हैदर पाकिस्तान चले गए, ये चीज वो चीज, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहाँ जाए कोई कहाँ ना जाए, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात बच्चों की, तो बच्चे मेरी जिंदगी हैं और मैं अपने बच्चों की जिंदगी हूँ। ना मैं अपने बच्चों के बगैर एक पल जी सकती हूँ, ना मेरे बच्चे मेरे बगैर एक पल जी सकते हैं। और रही बात फ्यूचर की, तो जितना अच्छा फ्यूचर सचिन दे सकते हैं, जितना अच्छा फ्यूचर इनका भारत में है, शायद कहीं भी नहीं है। तो मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ भारत में, और मेरे बच्चे मेरे साथ ही खुश हैं। और मेरे बगैर मेरे बच्चे एक पल नहीं जी सकते, ना मैं अपने बच्चों के बगैर एक पल जी सकती हूँ। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। पैदा होने से आज तक मेरे बच्चे मेरे साथ रहे हैं, मुझे ही देखा, मुझे ही माँ मुझे ही बाप के रूप में उन्होंने देखा है। तो जो भी लोग कह रहे हैं, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ हैं। और रही बात कानूनी कार्रवाई की, तो कानूनी अगर कार्रवाई करनी पड़ी तो मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह है, वो खुद ही संभाल लेंगे सारी चीजें। और दूसरी बात, जब से मतलब बच्चों ने मुझे ही देखा है, माँ के रूप में भी और बाप के रूप में भी, तो मेरे बच्चे मेरी जिंदगी है और बच्चों की मैं जिंदगी हूँ। ना मेरे बगैर बच्चे एक पल नहीं जी सकते, स्पेशल खास करके बेटियां। अगर 2 मिनट मुझे वो ना देखें तो वो परेशान हो जाती हैं, अगर मैं उनको 2 मिनट ना देखूं तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो लोग जो कह रहे हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुश, मेरे बच्चे खुश हैं मीना जी के साथ। धन्यवाद। जहां तक आप लोगों के सवाल हैं कि गुलाम हैदर पाकिस्तान पहुंच गए हैं, उनका देश है, अपना वतन है, वहां से गए थे नौकरी करने के लिए, गए थे 4-5 साल पहले, गए थे, आए हैं। वापसी की बातें भी होती हैं, वीजा की बातें भी होती हैं, जो भी हैं वो आए हैं, अपने परिवार में रहें। जो बच्चों वाली बात है, सीमा के बच्चे सीमा के पास हैं, सीमा जन्म से लेकर अब तक बच्चों के साथ रही, बच्चे उसके साथ रहे, वो आई तब भी बच्चों को लेके आई और यहां रह रही है। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, पाकिस्तान को तो कुछ भी खबरें चलाते रहते हैं, कभी सचिन को मारते हैं, कभी किसी को कुछ कर देते हैं, तो उस बात पर नहीं है। हाँ, जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात है, उसके लिए कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी, गार्जियनशिप एक्ट के लिए मुकदमा भारत में चलेगा। अगर कोई चाहता है तो उसके लिए साफ है, फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट का सेटअप है, जहां बच्चों का रेजिडेंस होता है वही लीगल वहां होता है बच्चों के लिए। बच्चों के अधिकार, बच्चों का संरक्षण, सुरक्षा, भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी गार्जियनशिप एक्ट के तहत फैमिली कोर्ट के द्वारा हमारी माननीय अदालतें हैं, अनरेबल ट्रायल कोर्ट हैं, फैमिली कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, अनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो सबसे पहले बच्चे की बेहतरी समझते हैं। बच्चे की बेहतरी हो, उसकी अच्छाई हो, उसकी भलाई हो, और बच्चे से पूछा जाता है, काउंसलिंग होती है, और बच्चे का भविष्य सर्वोपरि है। सचिन मीना, सीमा मीना के साथ बच्चे रह रहे हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं, बहुत इज्जत से रह रहे हैं, बहुत सम्मान से रह रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, स्वास्थ्य का अपना विकास कर रहे हैं, और बहुत ही तरह अच्छी तरह गांव और सभी लोगों का, मीना समाज का और सभी देशवासियों का भी प्यार है और भावनाएं उनसे जुड़ी हैं। कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो पूरी तरह मजबूती से सीमा, सचिन, मीना और बच्चों की तरफ से मैं लड़ूंगा और लड़ी जाएगी।